हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं क्लास 6 to 8 की, ये वर्कशीट 6, 7, 8 तीनों के बच्चे करेंगे। वर्कशीट नंबर 57। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा वर्कशीट आती है रोज़। ये 9 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, ये यानी 9 सितंबर की वर्कशीट है। चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो वर्कशीट में पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया डेट। अ वेल प्लान डे नेवर गोज वेस्ट, यानी जो हमारा एक प्लान डे होता है वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपको ऐसे अपनी नोटबुक में लिखना है, इन्हें हमें कुछ करना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे माय डेली रूटीन, ये डेली रूटीन लिखा है हमें, इनमें हमें अपना डेली रूटीन, हम 6 बजे क्या करते हैं, 7 बजे करते हैं, वो हमें लिखना है। तो मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, जिससे आपको इजी रहे आंसर करने में। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे, ये मैं आपके एक्सप्लेन करने के लिए समझा रही हूँ, अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप कुछ और लिख सकते हैं। 6 बजे वेकअप यानी उठते हैं, 7 बजे रेडी फॉर डे यानी तैयार होते हैं, 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 9 बजे मम्मी के साथ काम करवाते हैं, 10 बजे पढ़ते हैं, 11 बजे भी पढ़ते हैं, 12 बजे वॉचिंग टीवी देखते हैं, 1 बजे और 2 बजे रेस्ट करते हैं, और 3 बजे और मम्मी पापा के साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। एंड आगे दिखाती हूँ, एंड 4 बजे स्टडी करते हैं, 5 बजे खेलते हैं, 6 बजे भी खेलते हैं, 7 बजे डिनर करते हैं, और 8 बजे स्लीप यानी सोते हैं। तो ये तो आपका ये डेली, मतलब किसी डेली वेयर में, अगर आपका कुछ और है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए वर्कशीट पे आगे चलते हैं, ये हमारा लाइव सॉल्यूशन कम्प्लीट होता है, आगे चलते हैं वर्कशीट में। यहाँ तक हमारा कम्प्लीट हो गया है, अब हम आगे करते हैं। तो आगे हमें दिया गया हेल्थ एंड फिटनेस। अब हमारी जो हेल्थ और फिटनेस होती है वो रिकमेंड करती है 8 ग्लास ऑफ वाटर, यानी दिन में, एक दिन में 8 ग्लास पानी पीना, यानी 8 ग्लास दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपको 8 ग्लास पानी दिए हैं, और आपको दिन में 8 ग्लास पानी पीने, 30 मिनट एक्सरसाइज फॉर टुडे, यानी रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, सुबह सुबह यानी रोज़ करनी है, कभी भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको दो ऐसे और रिकमेंड करने हैं आपको, तो इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इस पेज में मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर लिया है, पर आपको पहले आंसर फर्स्ट करना है। वी शुड ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली एंड एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट डेली। अब हमें 8 ग्लास पानी पीना है रोज़ और एक्सरसाइज करनी है, तो वही लिखा था आपको, ऐसे ही लिखना है, 2 लाइन में ये लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे। आज हम, मतलब ऐसी 3 चीज़ें बताने जो हम जिस पे ग्रेटफुल हैं। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, तो मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, जिससे आपको इजी रहे आंसर करने में। तो आई ग्रेटफुल टू माय फैमिली एंड माय पेरेंट्स एंड माय टीचर्स टुडे, यानी मैं आज अपने मम्मी पापा और फैमिली और टीचर्स के लिए आभारी हूँ, क्योंकि इनकी वजह से आई एम एबल टू लीव दिस कम्फर्टेबल लाइफ, मैं उनकी वजह से कम्फर्टेबल लाइफ जी रही हूँ, और ही हैज़ गिवन माई एवरी हैप्पीनेस इन माई लाइफ, और इन्होंने मुझे बहुत हैप्पीनेस दी है यानी खुशी दी है मेरी लाइफ में। तो चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है, वो हमारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मस्ट डू। अब ऐसा चीज़ जो हम आपको करना ही करना है, तो अब इसका मैं आपको लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, जिसका आपको ईजी रहे आंसर करने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, यानी मस्ट डू का आंसर है ये, मस्ट डू का। तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड टीचर एंड लव द यंगर वंस, यानी हमें, मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, और छोटे भाई बहनों को प्यार करना है या छोटे लोगों को प्यार करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है टुडेज मूड। तो आपको इसमें कुछ मूड्स दिए गए हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, सरप्राइज्ड और स्ट्रेस्ड और एक्साइटेड। तो आपको बताना है आपका कौन सा मूड है। अगर आपका हैप्पी मूड है तो आपको हैप्पी पे टिक करना है, सैड मूड है तो सैड पे टिक करना है, एंग्री या एक्साइटेड जो मूड है, और उसका रीज़न लिखना है आपको। तो मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ कि मेरा मूड कैसा है। और टिक द मूड यू आर इन द स्टेट इन द इट्स रीज़न। अब आपको मूड को टिक करना है और उसका रीज़न लिखना है। तो मेरा मूड आज हैप्पी है, तो मैं आपको यहाँ पे हैप्पी लिख कर देती हूँ और हैप्पी का रीज़न लिख देती हूँ। बाकी सबका नहीं लिखना, बस एक का लिखना है, क्योंकि आपका मूड के अनुसार लिखना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, के आंसर पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है, आई एम फीलिंग हैप्पी बिकॉज माई टीचर प्रेज मी फॉर डूइंग द वर्क एट द टाइम एट वर्क एट द राइट टाइम। यानी मैं आज खुश क्यों हूँ, क्योंकि मेरी टीचर ने मेरी तारीफ करी है स्कूल का काम राइट टाइम यानी सही टाइम पे करने के लिए। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप अपनी कॉपी में ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो चलिए वर्कशीट पर चलते हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। आपको प्लीज़ बच्चे, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कर देना है और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है। आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय।